ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों से हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का अनुरोध किए जाने के बावजूद देश भर में जरूरी सामान की सप्लाई सामान्य नहीं हो पाई है। देश भर के कई हिस्सों में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। भोपाल में सब्जी विक्रेताओं ने सप्लाई में कमी के लिए हड़ताल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से किसान अपनी उपज को मंडियों तक ले जाने में डर रहे हैं। 10-20 रुपए मार्केट में हर सब्जी पर बढ़ गया है हड़ताल से, क्योंकि किसान का माल लगभग सारा रुक गया था और हड़ताल के डर से सभी किसान डरे हुए थे। कोई भी अपना वाहन मंडी में लेकर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आता था? लोग किस तरीके से खड़ी करते थे? नहीं, प्रॉब्लम ये थी सर कि लगभग सभी लोगों को डर था कि हड़ताल में वाहन टूट फूट हो सकते थे या किसी प्रकार की हिंसा हो सकती थी, इसलिए कोई भी किसान सब्जी मंडी में सब्जी नहीं ला रहा था। बहुत दिक्कत हो रही है आने में, जैसे कि गाड़ी नहीं आ रही, सब्जी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्यों गाड़ी नहीं आ रही? हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही नहीं, क्यों रुकी? इससे सब्जी नहीं आ रही, महंगी हो गई। कितनी सब्जियां आती है, आ रही हैं और किस भाव बिक रही है? कौन कौन सी सब्जियां? तो अभी सेम बिक रही 40 रुपए किलो, मेथी बिक रही 40 रुपए किलो। हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ देश भर की ट्रांसपोर्ट यूनियनें बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि हिट एंड रन मामलों से जुड़ा नया कानून लागू करने का फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ सलाह मशवरे के बाद ही लिया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद कुछ जगहों पर हड़ताल खत्म कर दी गई, जिससे बुधवार सुबह भोपाल में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों में कमी आई। देखिए, कल जो रेट था और आज के रेट में अंतर है। कल रेट तेज था, आज रेट थोड़ा सा उतर गया है, संभवतः कल और उतर जाएगा। पूरा कार्य आवक के ऊपर ही है। अगर माल बराबर आ जाएगा तो रेट उतरेगा ही उतरेगा। आवक बहुत है, भरपूर है। ये तो सिर्फ ट्रक की हड़ताल की वजह से थोड़ी सी तेजी थी, पर बाद में धीरे से उतर जाएगा। देश के पूर्वी हिस्से में खाने के सामान की कीमतों पर भी असर पड़ा। कोलकाता में मछली की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई। मार्केट में मछली का तान हो गया है, मार्केट में मछली कम डूब रहा है ना, तो इसलिए दाम ज्यादा है रोहू मछली का। तो पहले फीस कितने में बिक रहा था? अभी ये फीस अब बिक रहा है 200 रुपये में, 180 रुपये में बिक रहा था। काटा 300 रुपये में बिक रहा है। पहले 180 रुपया था, 20 रुपया बढ़ गया है। मछली विक्रेताओं के मुताबिक आंध्र प्रदेश से मछलियों की सप्लाई में कमी आई है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। अभी बाजार में मच्छी या सब्जी बोलिए, सब चीज़ का भाव बढ़ गया। मच्छी में कोई कोई मच्छी में रेहू और कतला 10 रुपया 20 रुपया बढ़ गया। छोटा मच्छी जो है, टेंगड़ा हो, भेटकी हो, पारसे हो, पॉम्पलेट हो, ये सब मच्छी में 50-60 रुपया 70 रुपया बढ़ गया। अभी कस्टमर भी उतना नहीं है। अभी बाहर सब आधा कस्टमर सब पिकनिक पार्टी चला गया। जो भी बाजार हो रहा है, मुर्गी और खासी में बाजार हो रहा है, मच्छी में उतना ध्यान नहीं देता है। कोलकाता में सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि प्याज की कीमतें भी बढ़ गई हैं। प्याज का दाम तो कम हो गया था, 35 हो गया था, 40 बिक रहा था, बढ़िया प्याज 40 बिक रहा था, वो अब फिर से 50 पे आके खड़ा हो गया है। आलू का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन मार्केट के हिसाब से अभी बेचना पड़ रहा है आलू, तो समझिए लॉस में बेच रहे हम लोग अभी। लखनऊ में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सोमवार को ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल शुरू होने के तुरंत बाद ही सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी। 20-30 रुपए का फर्क आ गया तुरंत। जो मटर 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिक रही थी, वो 50-60 रुपए किलो बिक रही है। गोभी वगैरह 20 रुपए 10 रुपए बिक रहे थे, वो 50 के जोड़ा बिक रहा है। और सब बस धीरे धीरे 10-20 रुपए हर आइटम पे बढ़ गया। चक्का जाम की वजह से सब ये दिक्कत है। गोभी में कम से कम एक पीस के पीछे 5 रुपए का फर्क आ चुका है। हाँ, ये जो हड़ताल की वजह से जी। तो क्या कुछ करिए, ग्राहक भी कम हुए? ग्राहक बहुत कम हो चुके हैं। और पहले कितने का मिलता था गोभी? पहले 15 का मिल जाता था, 10 का मिल जाता था, लेकिन अब 18-20 का हम लोग को मिलता है। दिल्ली की गाजीपुर थोक सब्जी मंडी के व्यापारियों ने कहा कि हड़ताल के कारण माल की कमी हो गई है, क्योंकि माल की सप्लाई पर असर पड़ा है।
मंडी पे असर ये पड़ा है कि माल बहुत कम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत दिक्कत में आ रही है मंडी। प्याज के भी रेट टाइट है, आलू का भी रेट टाइट है और सकावी सब्जियां महंगी भी हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना तो चाहिए भाई, जो कानून बनाया है, कानून के तरीके होते बनाने के, ये कौन सा कानून निकाला? कम से कम जब तक ड्राइवर चलेगा नहीं रोड पे तो माल कैसे लाएगा यहाँ पे, बताइए आवाम पब्लिक क्या खाएगी? बढ़ती कीमतों की वजह से सब्जी खरीदने वालों की संख्या में कमी आई तो वहीं व्यापारियों ने भी ऊंचे दामों पर स्टॉक भरने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये माल लेने के लिए आया हूँ मैं, टमाटर यहाँ माल ना होने की वजह से बहुत महंगा है, महंगे की वजह से कोई ग्राहक नहीं आ रहा और हम इसलिए उठा नहीं पा रहे हैं इसको। महंगे के कारण ये है, यहाँ स्ट्राइक जो चली है ट्रकों की, इसकी वजह से ये माल बहुत कम आ रहा है और यहाँ पर माल नजर नहीं आ रहा। जयपुर में सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक हड़ताल की वजह से उन्हें सब्जियों को दुकान पर लाने में ना सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़ा बल्कि ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। तो ट्रकों की स्ट्राइक हो रही है, उस वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी वाले हैं वो मुंह मांगे किराया ले रहे हैं। जैसे पहले हमारे गांव से 25 रुपए लेते थे नग के एक गांठ के, और अभी 30 रुपए से 35 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए पर थैली का अंतर आ रहा है किराए का। स्ट्राइक के बाद भाव ज्यादा तेज हो गए, हाँ जी, और सप्लाई भी कम है और मार्केट बहुत तेज चल रहा है, अभी तेजी चल रही है मार्केट में, हर भाव रेट है, हर एक सब्जियों पे रेट ज्यादा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनकी आमदनी भी कम हुई है। भैया 3 रोज पहले डेली के 2000 कमाते थे, आज 200 रुपए कमा के ले जा रहे हैं, उसमें भी गाड़ी का पेट्रोल जल जाता है, कोई आने जाना बस फ्री में हो रहा है। आ जाओ, अगर माल कमा रहे तो खरीदार कहाँ से जाएंगे, बेचारे बाहर वाले एक भी नहीं आ रहे, साधन नहीं उनके पास, बाहर पेट्रोल खत्म हो गया, बेचारे गाड़ियां खड़ी है, पेट्रोल की भी दिक्कत आ रही है। कहने के मतलब जो पहले मंडी में 100 ट्रक आते थे तो आज ये मान के चलो आप 40 से 50 ट्रक आ रहे, करीबन 40-50% की ट्रक की आवाजाही कम हुई है मंडी के अंदर। पहले के बीच 50-60% आमदनी कम हो गई ट्रकों की, हड़ताल की वजह से ट्रक लोग या ड्राइवर लोग घरों पर चले गए ट्रकों को खड़े कर करके, बाकी माल आ रहा है इतनी कोई वो नहीं भाई, माल नहीं आ रहा है मंडी में, माल आ रहा है। भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस को जानकारी दिए बिना हिट एंड रन मामले में ड्राइवर के भागने पर 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सोमवार को कुछ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने कड़े नियमों के खिलाफ हड़ताल शुरू की थी।